अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? एप्पल ने आज तक अपनी डिवाइसेस में जो मेन मटेरियल यूज़ किया है वो एल्युमिनियम है। यानी आप आईफोन्स को देख लें, मैकबुक्स को देख लें, आईमैक्स को देख लें, आईपैड्स को देख लें, यहाँ पे सारी जगहों पे हमें जो एल्युमिनियम का जो मटेरियल है वो मेजॉरिटी में नज़र आ रहा है। और 2017 में एप्पल ने जब आईफोन 8 की सीरीज और आईफोन 10 को रिलीज़ किया तो वहाँ पे हमें एल्युमिनियम के साथ साथ ग्लास और जो स्टेनलेस स्टील है वो भी देखने को मिला। यानी आईफोन 10 से लेके ऑनवर्ड आईफोन 10s और आईफोन 11 और 12 की जो सीरीज़ है वहाँ पे जो आपको आईफोन का आउटर रिम नज़र आता है वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील आप कह सकते हैं कि एक काफ़ी प्रीमियम नज़र आने वाला एक मटेरियल है, जिससे फ़ोन की जो एक उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो अपेयरेंस होती है वो काफ़ी कमाल की लगती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टेनलेस स्टील में आपको पता है कि स्क्रैची होता है, और जब ये थोड़ा सा इसकी शाइन ख़त्म होती है, स्क्रैचेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। आप बहुत सारी ऐसी वॉचेस भी देखते होंगे जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, यानी एप्पल वॉचेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब बहुत ज़्यादा स्क्रैची हो जाती हैं तो उनकी जो लुक होती है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की सामने आ रही हैं कि एप्पल एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील के अलावा जो मज़ीद एक नया मटेरियल सामने लेके आ रहा है अपनी डिवाइसेस में, वो टाइटेनियम है। टाइटेनियम के बारे में इससे पहले आपने सुना होगा कि एप्पल ने अपनी एप्पल वॉचेस में बेसिकली ये मटेरियल जो है वो मुतारिफ़ करवाया था। टाइटेनियम बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो कि एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील की निस्बत ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, हार्ड है, पायदार है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। आप कह सकते हैं कि ये ऐसा मटेरियल जिसको एल्युमिनियम की निस्बत बेंड करना बहुत मुश्किल होता है। यानी एल्युमिनियम आपको पता है कि जब 6 में और 6 प्लस में मुतारिफ़ करवाया था तो वहाँ पे हमें बेंडिंग इश्यूज आए थे, लेकिन टाइटेनियम ऐसा मटेरियल माना जाता है कि जो ज़्यादा स्टिफ होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो फ़ायदा नज़र आ रहा है वो ये है कि हमें स्क्रैचेस कम देखने को मिलेंगे और इसको बेंड करना ज़्यादा मुश्किल होगा। अब टाइटेनियम मटेरियल जितना ज़्यादा हार्ड है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर इंग्रेविंग करना मुश्किल है, यानी कुछ भी राइट करना, कुछ भी ऐसा लिखना जिस तरह बॉडी के ऊपर होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इस रिपोर्ट में एक और चीज़ सामने आई है कि एप्पल अपनी जो आईपैड और आईफोन्स की जो चेसिस हैं वो टाइटेनियम को इस तरह से डेवलप करेगा कि इसमें मज़ीद एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, मज़ीद इसको स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसमें पीवीडी को यूज़ किया गया है। पीवीडी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको हम फिज़िकल वेपर डेपोजिशन कहते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए जो बॉडी है वो उसके ऊपर एक थिन लेयर क्रिएट हो जाती है जो कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है। और इसके साथ साथ एप्पल ये भी रिसर्च कर रहा है कि किस तरीके से थिन ऑक्साइड सर्फिस कोटिंग को यूज़ किया जाए। अब ये जो बेसिकली प्रोसेस है थिन ऑक्साइड सर्फिस कोटिंग, इसके ज़रिए किसी भी डिवाइस को आप कम स्मजी बना सकते हैं। यानी कि हमें पता है कि जब हम कुछ ऑयली हाथ अपने फ़ोन पे लगाते हैं तो फ़ोन के ऊपर वो प्रॉपर उसका जो फिंगरप्रिंट होता है वो उस पर आ जाता है। सो इस प्रोसेस से गुजार कर एप्पल बेसिकली टाइटेनियम को ऐसी लुक देना चाहता है जिसकी वजह से डिवाइसेस जो होंगी वो कम स्मजी होंगी, उन पे जो फिंगरप्रिंट होंगे आपके, यानी कि जो आप ऑयली हाथ जब आप लगाते हैं अपनी डिवाइसेस पे तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे, या बेसिकली अगर वो उसके ऊपर भी होते हैं तो लाइट उनको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि आपको वो ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। तो ये बेसिकली हमारे सामने कुछ इस तरह की न्यूज़ आ रही है जहाँ पर हमें ये फ्यूचर में ये चेंजिंग्स देखने को मिल सकती हैं, जिसमें एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील की बजाय टाइटेनियम जो है वो ओवरकम कर रहे हैं अपनी स्टिफनेस की वजह से, अपने हार्ड मटेरियल की, अपने हार्ड स्टफ़ होने की वजह से, और इसके साथ साथ बहुत और सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टाइटेनियम जो है वो बेहतर हो सकता है एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील की बॉडी से। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पीस।